हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज हमारे साथ है BMW 330i M Sport और ये कार जाती है 0-100 इन जस्ट 5.8 सेकंड्स। इस कार में मिलता है आपको 2 लीटर का 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन जो प्रोड्यूस करता है 255 bhp की पावर और 400 Nm का टॉर्क। और BMW क्लेम करती है 16.13 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज। और ये है BMW का लोगो, एक्टिव एयर स्ट्रीम किडनी ग्रिल ब्लैक ग्लोव्स के साथ, अडेप्टिव LED हेडलाइट्स मिल जाएगी DRLs के साथ। और ये है फ्रंट पार्किंग सेंसर्स, LED फॉग लैंप्स। मीटर लेंथ, 1.82 मीटर विड्थ, 1.43 मीटर हाइट, 2851 mm व्हील बेस और 151 mm का ग्राउंड क्लीयरेंस मिलेगा आपको 330i में। चलिए देखते हैं एक्सटीरियर में और क्या क्या मिलेगा। M Sport टॉप मॉडल की बैजिंग मिलेगी और ये है 18 इंच के अलॉय व्हील्स रन फ्लैट टायर्स के साथ। बॉडी कलर्ड ORVMs विद LED टर्न इंडिकेटर्स। और बॉडी कलर्ड डोर हैंडल्स मिलेंगे आपको M Sports में। 10-way इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल को पैसेंजर सीट मिलेगी, स्कफ प्लेट, रियर व्हील्स में भी आपको डिस्क ब्रेक्स मिलेंगे। और अगर प्राइस की बात करें तो ये कार आपको मिलेगी 53 लैक्स एक्स शोरूम के आसपास। कुछ ऐसी दिखेगी रियर प्रोफाइल। चाबी से ही आप बूट ओपन कर सकते हैं बट क्लोज आपको मैन्युअली ही करना पड़ेगा। BMW 330i आपको मिलती है 480 लीटर्स के बूट स्पेस के साथ। थोड़ी सी स्पेस यहाँ भी मिल जाएगी। BMW 330i की बैजिंग और ये है LED टेल लाइट्स, रिफ्लेक्टर्स, रिवर्स पार्किंग कैमरा, रियर पार्किंग सेंसर्स और ट्विन टेल एग्जॉस्ट पाइप्स मिलेंगे आपको BMW 330i में। और ये कार रियर व्हील ड्राइव है, यहां से भरेंगे पेट्रोल। थ्री सीरीज BMW की बेस्ट सेलिंग कार्स में से एक है। ये कार आपको मिलती है 3 साल या 40,000 किलोमीटर तक की वारंटी के साथ। यहां भी M Sports की बैजिंग मिल जाएगी और अलॉय व्हील्स पे भी आपको M की बैजिंग मिल जाएगी। NFC फोन की के साथ आप इस कार को लॉक या अनलॉक कर सकते हैं। डोर पे आपको ब्राउन लेदर फिनिश मिल जाएगी, क्रोम फिनिश्ड इनसाइड डोर हैंडल्स, डोर लॉक अनलॉक के बटन्स, मेमोरी सीट्स, ORVM एंड पावर विंडोज के कंट्रोल्स, बूट ओपन करने का बटन, बोतल होल्डर और ये थोड़ी सी स्पेस। और ये M बैजिंग के साथ स्कफ प्लेट, 10-way इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ड्राइवर सीट,
पेडल्स और ये कुछ सामान रखने के लिए थोड़ा सा स्पेस। लाइट के कंट्रोल्स और ये एसी वेंट। लेदर अपोलेस्ट्री मिलेगी। चलिए कर लेते हैं अब कार को स्टार्ट। और ये है फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, यहां से आप मैप भी एक्सेस कर सकते हैं। पैडल शिफ्टर्स, क्रूज कंट्रोल, ऑडियो एंड मोबाइल के कंट्रोल्स, और ये है इंफोटेनमेंट सिस्टम एप्पल कारप्ले के साथ, स्पीकर, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल डुअल जोन एसी, म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल्स, दो कप होल्डर्स मिल जाएंगे, 12 वोल्ट का पावर आउटलेट, यूएसबी टाइप ए का पोर्ट और फोन रखने की जगह, 8 स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स मिलेगा इको कंफर्ट और स्पोर्ट मोड के साथ, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, इससे करेंगे इंफोटेनमेंट को कंट्रोल, आर्म रेस्ट, यूएसबी टाइप सी का पोर्ट, सनवाइजर मिरर और लाइट के साथ, ग्लो बॉक्स, एलईडी केबिन लाइट्स मिल जाएगी, यहां से कंट्रोल करेंगे सनरूफ को। चलिए ओपन करके देखते हैं। ड्राइवर साइड भी आपको सनवाइजर मिल जाएगा मिरर और लाइट के साथ, ड्राइवर साइड ग्रैब हैंडल, कुछ ऐसी दिखेगी रियर सीट्स, यहां से कर सकते हैं बोनट को रिलीज। अब चलते पीछे वाली रो में, देखते हैं क्या क्या मिलता है। यहां भी आपको इनसाइड डोर हैंडल्स क्रोम फिनिश के साथ मिल जाएंगे, पावर विंडो का बटन, स्पीकर, बोतल होल्डर, ऑटोमेटिक एसी, दो यूएसबी टाइप सी के पोर्ट, सीट पॉकेट्स, रीडिंग लाइट्स, ग्रैब हैंडल हुक के साथ, और ये है रियर आर्म रेस्ट दो कप होल्डर्स के साथ। और ऐसा दिखेगा पीछे की सीट से डैशबोर्ड।
चलिए अब दिखा देता हूँ इस कार का इंजन और आपको सुनाता हूँ इसकी आवाज़। उससे पहले अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।